हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक और आज की वीडियो में यार हम डिस्कस करेंगे साइकोफिजिक्स एंड एसोसिएशनिज्म। तो ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के। अब आप लोग कहेंगे कि सारे ही टॉपिक्स आप तो इम्पॉर्टेंट बता देते हो। सो यस, सारे टॉपिक्स ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। देर इज़ नो यू नो कि वन टॉपिक इज माई फेवरेट एंड अदर इज नॉट, बट ऑल टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट दैट वी आर कवरिंग एज पार्ट ऑफ लेट्स क्रैक इट सीरीज फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और काफ़ी सारे पेपर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे बायो साइकोलॉजी, जनरल साइक, ऑर्गेनाइजेशनल साइक, सोशल साइक, पर्सनालिटी, डेवलपमेंटल साइक, रिसर्च मेथडोलॉजी एंड अब स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यार हम शुरू करेंगे साइकोफिजिक्स के साथ, द मोस्ट ड्रेडेड सब्जेक्ट आई बिलीव। एक ड्रेडेड टॉपिक है काफ़ी बच्चों के लिए क्योंकि नाम यहाँ पे फिजिक्स का आ जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज साइकोफिजिक्स? इफ यू सी, इट इज साइको एंड फिजिक्स, मतलब कहीं ना कहीं साइकोलॉजी और फिजिक्स का इंटरसेक्शन। सो व्हाट वी डू इन साइकोफिजिक्स इज वी स्टडी फिजिकल स्टिमुलाई एंड सेंसेशंस एंड परसेप्शंस दैट दीज फिजिकल स्टिमुलाई इवोक। अब स्टिमुलाई क्या होती है आप पूछोगे, सो लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, स्टिमुलाई इज एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। कोई भी चीज, वो लाइट हो सकती है, हो सकता है किसी ने आके मुझे पंच मार दिया तो वो भी एक स्टिमुलाई है मेरे लिए। सो एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट इज अ स्टिमुलाई। तो ये जो फिजिकल स्टिमुलाइज हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है वो हमारे अंदर क्या सेंसेशंस इवोक करती हैं, कैसी परसेप्शंस इवोक करती हैं, दैट इज व्हाट वी स्टडी इन साइकोफिजिक्स। ठीक है, एंड साइकोफिजिक्स व्यूज साइकोलॉजी एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स हो, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव हो, जो कि रिलायबल हो, जिसमें हम कोई प्रूफ दे सके, एम्पेरिकल एविडेंस दे सके, दैट इज व्हाट साइकोफिजिक्स इज ऑल अबाउट। अब कुछ लोग हैं जिनके बारे में हमें साइकोफिजिक्स में डिस्कस करना है, लाइक अर्नेस्ट वेबर। अर्नेस्ट वेबर ने दिया था जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए सारे लोग, अपने कॉन्सेंट्रेशंस यहीं पे रखना। ठीक है, अर्नेस्ट वेबर ने जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस दिया था। जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट स्टिमुलाइज दैट इज डिटेक्टेबल 50% ऑफ द टाइम। तो दो अलग अलग स्टिमुलाइज हैं, उनके बीच का डिफरेंस जो आप 50% ऑफ द टाइम्स डिटेक्ट कर सकते हो और 50% ऑफ द टाइम हो सकता है आप डिटेक्ट ना कर पाओ। नाउ फॉर एग्जांपल, टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस इन अ मोर कॉम्प्लेक्स एंड इजी वे, एग्जांपल के लिए आप इसको देखिए। यहाँ पे एक इंडिविजुअल का हाथ है और सपोज मैंने इस इंडिविजुअल के हाथ के ऊपर सबसे पहले ये रॉक नंबर 1 रखा, ये जो थोड़ा लाइट ब्राउनिश कलर का आपको रॉक दिख रहा है ना, ये वाला। सबसे पहले मैंने इस इंडिविजुअल के हाथ पे सिर्फ ये रॉक रखा था और ऊपर वाले रॉक नहीं रखे, सिर्फ ये रॉक। ठीक है, अब ये रॉक इसके लिए एक स्टिमुलाई है, इसको एक पर्टिकुलर वेट फील होगा इस रॉक का, है ना। फिर थोड़ी देर बाद, और मैंने उसको आईज क्लोज करने के लिए बोल दिया, थोड़ी देर बाद मैंने ये सेकेंड वाला ब्लैक कलर का रॉक रखा। ठीक है, तो क्या उस इंडिविजुअल को अपने जो अभी तक उसको सिर्फ एक रॉक का वेट फील हो रहा था, क्या सेकंड वाला रॉक रखने के बाद उसको कोई डिफरेंस फील होगा स्टिमुलाई में या नहीं होगा? क्योंकि ये तो दूसरी स्टिमुलाई हो गई, ब्लैक कलर का रॉक, और ये ब्राउन कलर का रॉक एक दूसरी स्टिमुलाई है। सो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस यही कहते हैं कि दो स्टिमुलाई के बीच में वो 50% ऑफ द टाइम जो आप डिटेक्ट कर सकते हो डिफरेंस, और 50% ऑफ द टाइम व्हेन यू कैन नॉट डिटेक्ट द डिफरेंस। तो हो सकता है इंडिविजुअल इन दोनों अलग अलग स्टिमुलाई के बीच में डिफरेंस डिटेक्ट कर ले, वो हो सकता है डिटेक्ट कर ले कि अच्छा एक और डिफरेंट कोई चीज रखी गई है। प्रोबेबली दे मे नॉट बी एबल टू टेल दैट अ डिफरेंट स्टोन हैज बीन प्लेस्ड ओवर माय हैंड, बट दे मे एबल टू टेल दैट आई कैन फील दैट समथिंग एल्स हैज आल्सो बीन एडेड टू माय हैंड। फिर हो सकता है कई लोग ना डिटेक्ट कर पाए, वो लोग उनसे अगर पूछा जाए कि क्या आपको कोई वेट में डिफरेंस फील हो रहा है अपने हैंड में, दे मे सिंपली से कि नहीं जैसा पहले था वैसे ही है। सो देन आई विल पुट अनदर थर्ड स्टिमुलाई, एक और स्टोन में रख दूंगी, फिर हो सकता है उन्हें डिफरेंस महसूस होए। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। अब एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ क्योंकि आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है, थोड़ा समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। सो सपोज दिस इज अ पर्सन्स हैंड जो कि बहुत ही बेकार ड्रॉइंग बनने वाली है, ठीक है, बट ओके सपोज ये एक इंसान का हाथ है, ऑलराइट। अब यहाँ पे जो ये वाला एल्बो वाले से नीचे वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे हो सकता है मैंने एक पेन को थोड़ा सा प्रेस करके एक इंडिविजुअल के हैंड पे रख रखा है ताकि उसको ये सेंसेशन हो कि कोई चीज उसके हैंड को प्रेस कर रही है, एंड आई हैव आस्क्ड द इंडिविजुअल टू क्लोज देयर आईज।
अब ये एक स्टिमुलस है जो पेन मैंने उसके हाथ के ऊपर रख रखा है, ऑफकोर्स क्लोज करके। फिर उसके बाद दूसरा पेन मैं ऐसी कौन सी जगह पे रखूंगी उसके हाथ पे दैट द पर्सन विल बी एबल टू डिटेक्ट दैट देयर इज अ डिफरेंट स्टिमुलाई दैट इज देयर नाउ। अगर मैं उस पहले वाले पेन के जस्ट क्लोज बाय ही दूसरा पेन भी प्रेस करना शुरू करूंगी, हो सकता है उस इंसान को डिफरेंस फील ना हो एंड द पर्सन मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट दैट देयर इज अनदर स्टिमुलस एज वेल। बट अगर मेरा पहला पेन यहाँ पे है और दूसरा पेन मैं यहाँ पे प्लेस करूंगी तो ऑफकोर्स वो इंडिविजुअल डिटेक्ट कर पाएगा कि एक और स्टिमुलाई रखी गई है यहाँ पे, है ना। लेकिन जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस में हम उस स्मॉलेस्ट डिफरेंस की बात करें कि कौन सा वो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा जिस पे इंडिविजुअल तुरंत डिटेक्ट कर देगा कि हाँ भाई अब तो दो अलग अलग स्टिमुलाई। सो हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस कि दो अलग स्टिमुलाई के बीच का डिफरेंस जो 50% ऑफ द टाइम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं एंड 50% ऑफ द टाइम हो सकता है ना डिटेक्ट हो। एंड दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट वेबर। अब ये जो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस है इट इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड या फिर डिफरेंस थ्रेशोल्ड। सो कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर डिफरेंस थ्रेशोल्ड के नाम से कोई क्वेश्चन आ गया तो। एंड अर्नेस्ट वेबर इन हिज जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस लॉ ही सेड कि जो भी डिफरेंस होगा इन स्टिमुलाइज के बीच में वो एक सर्टेन कांस्टेंट रेशियो होगी, कि ऐसा नहीं होगा कि अगर इस पर्टिकुलर हैंड के इस एरिया पे 1 सेंटीमीटर के ऊपर ही आपको फर्क महसूस हो जाएगा तो हैंड के इस एरिया पे नहीं होगा, तो फिर वो आपको हैंड की इस एरिया पे भी उसी कांस्टेंट रेशियो पे डिफरेंस इंडिकेट होगा दो स्टिमुलाई के बीच का। एंड अर्नेस्ट वेबर ट्राइड टू इंट्रोड्यूस साइंस इन साइकोलॉजी। जैसा कि आप देख ही रहे हो साइकोफिजिक्स है, ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा बहुत फिजिकल साइंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं साइकोलॉजी में, जो मेजरिंग जिस तरीके से की जा रही है, जो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस है, ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल साइंस। तो यहाँ पे अर्नेस्ट वेबर ने कोशिश की थी कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और एस्पेक्ट्स को कि लोग कैसे सेंस कर रहे हैं, परसीव कैसे कर रहे हैं, कितना वो डिटेक्ट कर पा रहे हो और कितना नहीं कर पा रहे हो, उन सारी चीजों में साइंस इंट्रोड्यूस हुई थी। एंड देन अनदर इंपॉर्टेंट पर्सन इन साइकोफिजिक्स हु इज आल्सो रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ साइकोफिजिक्स इज गुस्ताव फेचनो। ठीक है, गुस्ताव फेचनो ने कॉन्सेप्ट दिया था ऑफ एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। तो पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था अर्नेस्ट वेबर ने जो दिया था दैट इज योर डिफरेंस थ्रेशोल्ड और जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। एंड गुस्ताव फेचनो द फादर ऑफ साइकोफिजिक्स गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। दिस also something that you should know. Absolute threshold क्या होता है? It is the lowest amount of stimulation that can be detected 50% of the time. तो देखो, just noticeable difference या difference threshold के केस में तो हम ये कह रहे थे कि एक stimulus तो already detect हो ही रही है, पर दूसरी stimulus ऐसी कौन सी जगह हमें रखनी चाहिए ताकि उस इंसान को पता लगे या feel हो, sense हो कि now a different stimulus is there. ठीक है, कुछ चेंज हुआ है स्टिमुलस में। बट एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड इज अबाउट द फर्स्ट स्टिमुलस की कैसे उस इंसान को लोएस्ट अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन दिया जाए ताकि द पर्सन इज एबल टू फील दैट सम स्टिमुलस इज प्रेजेंट। तो जब वंस अगेन आई विल ड्रॉ दैट वेरी वेरी बैड फिगर ऑफ हैंड, ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा ही बुरा बन गया है, बट ओके, कंसिडरिंग दैट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस इज अ ह्यूमन हैंड, ऑलराइट। सो यहाँ पे मैंने जब पहले वाले एग्जाम्पल में डिफरेंस थ्रेशोल्ड में बोला था कि मैं दो अलग अलग जगह पे पेन रखूंगी, तो दैट वाज तो डिफरेंस थ्रेशोल्ड कि मैं डिफरेंस महसूस कर रही हूँ दो अलग अलग स्टिमुलाइज का। बट एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होगा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम पेन एक इंसान के हाथ पे रखा तो क्या उसे ये फील हुआ कि उसके हैंड पे कोई चीज टच हुई है, क्या उसने उस स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज किया। सो दैट इज व्हाट एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड टॉक्स अबाउट कि वो लोएस्ट अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन जो एक इंसान 50% ऑफ द टाइम डिटेक्ट कर सकता है और 50% ऑफ द टाइम डिटेक्ट नहीं कर सकता। सो मैं कौन से अमाउंट से उस पेन को एक इंडिविजुअल की यू नो हैंड पे टच करूंगी कि वो डिटेक्ट कर पाए दैट देयर इज अ स्टिमुलस, क्या मैं हल्का सा ही टच करूंगी तो हो जाएगा या शुड आई प्रेस इट वेरी हार्ड। सो दैट इज व्हाट एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड टेल्स अस। सो अगर आप ये इमेज देख रहे हो, दिस इज अ रूम, एकदम डार्क रूम है और सिर्फ एक ही लाइट का सोर्स है ना। सपोज आप इस रूम में हो और अभी फिलहाल इस रूम में एकदम अंधेरा है एंड मैं बोलती हूँ कि वहाँ उस पूरे अंधेरे वाले रूम में मैंने बहुत ही छोटा सा एक यू नो होल क्रिएट किया हुआ है विंडो के आसपास और उस होल में से बहुत थोड़ी सी लाइट मैं धीरे धीरे एंटर करवाती हूँ जैसे ही आप
को थोड़ा मतलब 5-6 मिनट हो गए उस अंधेरे वाले रूम में खड़े हुए. सो जो थोड़ी सी लाइट आएगी उस रूम में, क्या आप उसे डिटेक्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इज व्हाट एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड टेल्स अस. सो हैव यू अंडरस्टूड? देखो क्योंकि ये चीजें ना अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, स्पेशली डिफरेंस थ्रेशोल्ड एंड एब्सोल्यूट. तो डिफरेंस थ्रेशोल्ड में हम दो अलग अलग स्टिमुलाई के बीच के डिफरेंस को देख रहे थे कि क्या एक स्टिमुलस जो आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो, अब दूसरी स्टिमुलस उस स्टिमुलस से कितनी दूर होनी चाहिए कि आपको पता लगे कि अब ये कोई और डिफरेंट स्टिमुलाई है. और एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है कि भाई वो पहली स्टिमुलस ही कितनी इंटेंसिटी की होनी चाहिए कि आपको पता लगे कि कोई स्टिमुलस है भी एनवायरनमेंट में कि नहीं है. सो दैट लोएस्ट अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन जो मुझे देने की जरूरत होगी, जिससे आपको ये एकदम से फील हो जाए, सेंस हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए कि हाँ कोई पर्टिकुलर स्टिमुलाई प्रेजेंट है. सो हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? मुझे पता है मैंने इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया है, लेकिन टाइम सिर्फ आप लोगों के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाया है, ठीक है. नाउ वी मूव ऑन टू अनदर इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द फील्ड ऑफ साइकोफिजिक्स, हु इज हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज़. तो आप में से कई लोगों ने इनका नाम पहले से सुना होगा. नाउ ही वॉज अ फिजिसिस्ट और इन्होंने काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजों पर काम किया था. फर्स्ट थिंग इज दैट ही मेजर्ड द रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. बायोसाइकोलॉजी में नर्व्स क्या होती है, न्यूरॉन्स क्या होता है, नर्व इम्पल्स, न्यूरल इम्पल्स, सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं बायोसाइकोलॉजी के पेपर में, है ना. तो जिन लोगों ने वो देखा है उनको पता होना चाहिए, याद आ जाना चाहिए. नहीं याद आता है, मेक श्योर यू गो बैक, रिवाइज योर कॉन्सेप्ट, ठीक है. सो हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज़ ने पहली चीज जो मेजर की थी वो यही मेजर की थी कि ये जो नर्व इम्पल्सिस कंडक्ट, नर्व इम्पल्सिस का हमारी बॉडी में कंडक्शन होता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जा रही है, वो किस रेट पे जा रही है. सो वंस अगेन इफ यू सी, यहाँ पे कहीं ना कहीं फिजिकल साइंस इंट्रोड्यूस की जा रही है. सो साइकोफिजिक्स इज अबाउट दिस थिंग ओनली, कि जहाँ पे हम है ना सॉर्ट ऑफ फिजिकल साइंस इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स और प्रिंसिपल स्टडी करने के लिए. एंड देन हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज़ ऑल्सो वर्कड ऑन आई एंड ईयर, जो हमारे सेंसेज हैं, जिसमें उन्होंने काफी सारे फेमस थ्योरीज हैं कलर विजन की और हियरिंग की, जिसपे उन्होंने काम किया था. इनफैक्ट कलर विजन की एक थ्योरी है, द ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी ऑफ कलर विजन. वो ओरिजिनली तो यंग ने दी थी, ठीक है, थॉमस यंग ने दी थी ओरिजिनली द कलर, द ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी ऑफ कलर विजन, लेकिन उसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज़ ने किए थे. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट ही वर्कड अपॉन. यू शुड नो अबाउट द थिंग्स दैट ही वर्कड अपॉन. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी विद रिस्पेक्ट टू साइकोफिजिक्स. एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो, वेयर इन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एसोसिएशनिज्म. अब एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड का जो एसोसिएशन है उसका क्या मतलब है क्विकली, तो एसोसिएशन का यही मतलब है ना कि जब हम दो अलग चीजों को कहीं ना कहीं एसोसिएट कर रहे हैं. दैट हाउ माय बटर मे बी एसोसिएटेड विद द ब्रेड इन माय माइंड, की ब्रेड बटर. सो दैट इज एसोसिएशन. सो एसोसिएशनिज्म जो एक स्कूल ऑफ थॉट था, उसका आइडिया ये था कि हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, मेंटल प्रोसेसेस लाइक थिंकिंग, योर डिसीजन मेकिंग एंड सेंसिंग, परसीविंग, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ये जो सारे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, दे ऑपरेट बाय द एसोसिएशन ऑफ वन मेंटल स्टेट विद अदर मेंटल स्टेट दैट आर कमिंग फॉरवर्ड. तो हमारे अलग अलग मेंटल स्टेट्स होते हैं, ठीक है. जब ये मेंटल स्टेट्स आपस में एसोसिएट होते हैं, हमारे आइडियाज आपस में एसोसिएट होते जाते हैं, देन दे रिजल्ट इनटू एन यू नो ऑपरेशन ऑफ मेंटल प्रोसेस. सो डिफरेंट डिफरेंट मेंटल स्टेट्स कम टूगेदर टू फॉर्म अ मेंटल प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ समर, तो समर को यानी कि गर्मियां, समर को आप काफी चीजों से एसोसिएट करते जाओगे, जैसे समर मतलब बीच है, कैंपिंग कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हैं, एयर कंडीशनर है, यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बहुत ज्यादा सनलाइट होती है, गर्मी होती है, ऑल दीज थिंग्स यू विल बिगिन टू एसोसिएट विद समर. सो वॉट इज हैपनिंग, वी आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट मेंटल स्टेट्स. ये सारे मेंटल स्टेट्स जब आपस में एसोसिएट होते हैं तो वो रिजल्ट होता है एक पर्टिक्यूलर मेंटल प्रोसेस में हमारी. सो दैट इज वॉट योर एसोसिएशनिज्म स्कूल ऑफ थॉट इज टॉकिंग अबाउट. अब कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं एसोसिएशनिज्म स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड. सो डेविड हार्टली, इनमें से काफी सारे नाम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आज, जो हमने 2 बजे वीडियो में डिस्कशन किया था ना स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें हमने बात की थी ब्रिटिश एम्पेरिसिज्म की. इन दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ दीज पीपल. सो डेविड हार्टली इज एसोसिएटेड विद एसोसिएशनिज्म स्कूल ऑफ थॉट. ही गेव द ड्यूअलिस्टिक व्यू पॉइंट. ड्यूअलिस्टिक व्यू पॉइंट में डेविड हार्टली ने क्या बोला था कि हमारी जो माइंड है और हमारी जो बॉडी है, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं.
ठीक है, दैट इज व्हाट ड्यूअलिस्टिक व्यू पॉइंट इज, कि ड्यूअली काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं हमारा माइंड और हमारी बॉडी, दे आर नॉट सॉर्ट ऑफ रिलेटेड विद ईच अदर इज व्हाट डेविड हार्टले बिलीव्ड इन, कि वो यू नो एसोसिएटेड ज्यादा नहीं है, दे आर ड्यूअल, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. लेकिन डेविड हार्टले ने लॉज ऑफ एसोसिएशंस पे भी काफ़ी सारा यू नो वर्क किया था. देन जेम्स मिल वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फिगर, जॉन स्टुअर्ट मिल वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर. एज आई टोल्ड यू इन द मॉर्निंग ऑल्सो, जेम्स मिल एंड जॉन स्टुअर्ट मिल इज फादर सन ड्यूओ, वेयर जेम्स मिल इज द फादर एंड जॉन स्टुअर्ट मिल इज द सन. सो जॉन स्टुअर्ट मिल गेव द डॉक्ट्रीन ऑफ एसोसिएशन. डॉक्ट्रीन ऑफ एसोसिएशन में इन्होंने क्या बोला था कि हमारी जो भी मेंटल एक्टिविटीज होती है उन सारी मेंटल एक्टिविटीज को हम अल्टीमेटली रिड्यूस डाउन कर सकते हैं, ब्रिंग डाउन कर सकते हैं टू द डिफरेंट फीलिंग्स दैट वी हैव, टू द डिफरेंट आइडियाज दैट वी हैव. और ये सारी फीलिंग्स और आइडियाज इनिशियली यू नो नॉट सो कनेक्टेड होती है, लेकिन जब एसोसिएशन होने लगती है इन आइडियाज में, इन फीलिंग्स में, अलग अलग सेंसेशंस और इम्प्रेशंस में, तब ये सारी चीजें हमारी एक मेंटल एक्टिविटी में रिजल्ट करती हैं. सो दैट इज व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ एसोसिएशन, दैट हाउ आर इंटायर बिग वन मेंटल एक्टिविटी कैन बी रिड्यूस्ड डाउन टू एसोसिएशंस बिटवीन आर आइडियाज, आर फीलिंग्स, आर थॉट्स, आर इम्प्रेशंस. ठीक है, देन अलेक्जेंडर बेन इज एन important figure, and Herbert Spencer. Herbert Spencer was also an important figure of associationism. इन्होंने क्या बोला था कि ये जो principles होते हैं evolution के, do you remember who talked about evolution extensively? So it was Charles Darwin, right? Charles Darwin ने evolution के बारे में बहुत ज़्यादा बातें की थी, survival of the fittest के बारे में बातें की थी. So Herbert Spencer ने क्या बोला कि ये जो principles होते हैं evolution के, all of these principles also apply to human societies, जो अलग अलग social classes होती हैं हमारी society में, जो individuals होते हैं, उन सारे लोगों पे भी ये principles of evolution उतना ही apply करते हैं जितने nature में apply होते हैं. ठीक है, so all of these things are ultimately associated with each other. So let me give you a quick revision of what all we have discussed today. Psychophysics हमने देखा था, इसमें कुछ important terms हमने देखे, जैसे Ernest Weber ने just noticeable difference दिया था, Gustav Fechner, the father of psychophysics, talked about absolute threshold. Hermann von Helmholtz ने भी काफी important contributions दिए हैं. Then we talked about the school of thought of associationism, जहाँ पे हमारे mental processes result होते हैं through associations between our various mental states. Mental states क्या चीज़ें include करती है? Ideas हो गए, thoughts हो गए, impressions हो गए, feelings हो गई, ठीक है? And these are some of the important figures associated with associationism school of thought. So that is it for today's video, everybody. Thank you so much for investing your time, watching me and listening to my voice. I am really grateful to all of you. And if you have any suggestions, any doubts, so please feel free to put it down in the comment section. And also don't forget to follow me on Instagram. Meri ID hai @mindreview1. You can also find the link in the description box. I am posting MCQs every day on the stories of my Instagram handle. वो एक क्विज के फॉर्मेट में होती है, ताकि आप यूट्यूब वीडियो से जो थ्योरी रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन थ्योरीज को आप अप्लाई करना भी सीखे, एमसीक्यूज को सॉल्व करना सीखे. बिकॉज आफ्टर ऑल वी ऑल नो एंट्रेंसेस, जो मोस्टली एंट्रेंसेस होते हैं उसमें एमसीक्यू फॉर्मेट आता है. ऑफकोर्स देर आर एंट्रेंसेज जिसमें सब्जेक्टिव आंसर्स भी लिखने पड़ते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर कंपेटिटिव एग्जाम्स विच हैव एमसीक्यूज. So make sure you practice your MCQs well. And if in case you are not on Instagram, then no worries. I am also posting MCQs on the YouTube community tab post. So aap wahan se bhi practice kar sakte hain. And if you feel ki aap wahan se bhi practice nahi kar sakte, then please make sure ki kahin na kahin online resource leke ya books leke aap apne MCQs ki practice jari rakhe, because practice makes a person perfect. So that will be it for today. Let me end this video by asking you all to do subscribe to the channel of Mind Review if you haven't yet. और अभी तक अगर मेरी आवाज़ सुनी रहे हो तो subscribe करना तो बनता ही है यार. ठीक है, चलिए मिलेंगे अब next video में, जिसमें हम और important schools of thought discuss करेंगे, जैसे कि structuralism है, functionalism है, and all new things, new terms for especially for all of you. So till then, have a very good day, take care, study well, and bye.